40 आइटम बुक कर सकते हो। यह ऑफर दिवाली तक रहेगा, दिवाली के लिए हमने स्पेशल ऑफर निकाला है दोस्तों ये। और आपको बता दूं कि बहुत सारी कॉल्स मेरे पास आती है कि हम पैसे भेज देंगे, क्या गारंटी है, सामान आएगा नहीं आएगा। तो दोस्तों ऐसे हमारे साथ बिल्कुल नहीं होता है, हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, हमारा ऑफलाइन कोई बिजनेस नहीं चलता है, हमारे ये पूरे बिजनेस ऑनलाइन चलता है और हम ऑनलाइन ही ऑल वर्ल्ड में सामान भेजते हैं। ऑल वर्ल्ड, जी हाँ, ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड में हर जगह हम सामान भेजते हैं। और कैश ऑन डिलीवरी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जिनको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए वो कृपया कॉल ना करें, ठीक है। और ऑर्डर लेने का प्रोसेस मैं आपको बता दूं, आपको हमारे व्हाट्सएप पे ये वीडियो नहीं तो ये स्क्रीनशॉट नहीं तो लिख के भेज सकते हो कि 4000 रुपए में जो 40 सामान थे वो हमें चाहिए। आपको अपना एड्रेस भेजना होता है, एड्रेस भेजने के बाद आपको वहां पे पेमेंट करनी होती है हमारे इस नंबर पे 9307501311 पे। पेमेंट करने के तुरंत बाद आपका सामान भेज दिया जाएगा, जो कि आपको 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर कभी भी मिल सकता है, ओके? तो आप दिखाते हैं आपको एक एक करके कि कौन कौन से आइटम हम आपको 40 देने वाले हैं, वो भी स्टेज आइटम। तो ट्रिक भी बताएंगे और परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे। तो सबसे पहली जो आइटम है दोस्तों वो है यहाँ पे, आप गिनते जाना 40 हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, मैं आपको दिखाते जाऊंगा। सबसे पहला आपको मिलने वाला है ये बैनर, जी हाँ, जादूगर का मैजिक शो। आपको प्रोफेशनल जादूगर बनाने वाले हैं, ऐसा नहीं कि आइटम दे दी बस हो गया, प्रोफेशनल जादूगर का काम करोगे। ये बैनर आपको मिलने वाला है, जादूगर का मैजिक शो। और उसके बाद आपको दूसरी आइटम मिलने वाली है ये टोपी, जी हाँ, ये टोपी आपको मिलने वाली है, जैसे मैंने पहनी हुई है तो ये टोपी आपको मिलने वाली है, जादू वाली टोपी, ठीक है। तो यहां पे आपको बैनर भी मिल गया, टोपी भी मिल गई, ठीक है। अब इनको एक एक करके हम नीचे रखते जाएंगे। और नेक्स्ट आइटम आपको यहां पे इस प्रकार से, ये देखो रंगीन पेपर है मेरे पास इस प्रकार से, यहां पे इसको आपको ऐसे 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 करते जाना है और सटक से आपको इसका कलरफुल छाता बना देना है, जी हाँ। तो ये छाता भी आपको मिलने वाला है, और इस छाते को कैसे परफॉर्म करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जैसे आपको ये छाता मिलेगा तो यहां पे आपको ऐसे छाते को बंद कर देना है, ठीक है। बंद करने के बाद आपको इसको ऐसे कोट में या शर्ट के इसमें बाजू में ऐसे छुपा देना है, कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखना, यहां पे ऐसे छुपा देना है। अब मैंने आपको इन पेपर से करके दिखाया था, आप चाहो तो रुमाल से भी कर सकते हो, ऐसे ये रुमाल दिखाया दोनों तरफ से और ऐसे डाला रुमाल और ऐसे यहां से छाता खींचा, ठीक है। तो आप इसको रुमाल से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो। तो ये आइटम भी आपको मिलने वाली है 4000 में 40 आइटम के साथ, ठीक है। तो इस पे आपको ये क्लिप मिलेगी, नहीं तो ऑटोमेटिक खुल जाता है, ऐसे ये क्लिप इस पे लगा के आप रख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो आइटम आपको मिलने वाली है दोस्तों वो मिलने वाली है आपको यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो हमारे पास एक बॉक्स होता है इस प्रकार से। हम क्या करते हैं, इस बॉक्स में इस कलरफुल पेपर को ऐसे डाल देते हैं इस प्रकार से, एक कलरफुल पेपर हमने इसमें डाले देखो आप लोगों के सामने, और इसको ऐसे यहाँ पे बंद कर देते हैं, मैजिक करेंगे गिली गिली छू, और जैसे इसको खोलेंगे तो यहाँ पे फूल बन जाएगा, ये देखो एक खूबसूरत सा फूल बन चुका है। अब ये होता कैसे है, सबसे पहले इस आइटम का नाम है डव पेन, ठीक है। इसमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं, 2 आपको दिख रहे हैं पर तीसरा होता है इसके अंदर, देखो कलरफुल पेपर ये रहे। तो आप इसमें कबूतर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कबूतर निकाल सकते हैं, खरगोश निकाल सकते हैं, फूल की माला निकाल सकते हैं, बहुत सारी मिठाई निकाल सकते हैं, कुछ भी आप इससे निकाल सकते हैं, छोटी सी बिल्ली निकाल सकते हैं, सांप निकाल सकते हैं, इससे आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। इस एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहां पे हमने कबूतर रख दिया, ठीक है, मान लो ये कबूतर है एक टाइम के लिए, ठीक है, कबूतर आपको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा, कबूतर रख लिया और इस कबूतर को यहां पे ऐसे, यहां पे 4 क्लिप लगी हुई होती है, इसको इसके अंदर ऐसे फिट कर दिया तो अब ये नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है, ये आपका यहां पे रह गया कबूतर। अब आपको यहां पे टिश्यू पेपर डालना है और इसको जला देना है, ठीक है, जलाने के बाद इसको बंद कर देना है और ये यहां पे आ जाएगा कबूतर। इसी प्रकार से खरगोश भी आप सब चीज निकाल सकते हैं। तो ये आइटम भी आपको मिलने वाली है 4000 में, जो 40 आइटम आपको देने वाला हूं, तो ये भी आपको उसमें मिलने वाला है, इसको डव पेन बोलते हैं। और नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है दोस्तों यहां पे, देखो हमारे पास एक बुक्स होती है इस प्रकार से, हमारे पास एक नॉर्मल बुक है, ये देखो नॉर्मल बुक है, और इस बुक पे हम ऐसे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे और तलवार आ जाएगी, ये देखो। तो ये तलवार भी आपको इसके साथ में मिलने वाली है। आप इस तलवार को किताब से निकाल सकते हो, झोले से निकाल सकते हो, जेब से निकाल सकते हो, आप कहीं से भी ये तलवार निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आइटम भी आपको मिलने वाली है इस पैकेज के साथ में, जो आपको मिल रहा है 4000 में 40 मैजिक आइटम। अब ये काम कैसे करती है, ये ऐसे बंद हो जाती है दोस्तों, ये देखो ये ऐसे बंद हो जाती है और आप इसको किसी भी प्रकार से दिखा सकते हैं। जैसे इसको झटका देंगे, अब देख रहा है, देखो जैसे इसको झटका देंगे तो ये तलवार खुल जाती है और आप इसको किसी भी तरह पर अलग अलग तरीके से इसको दिखा सकते हो। दिखाने का तरीका अपना अपना होता है। जैसे ये देखो तलवार है, इसको मैं मुंह में खा लूंगा पूरा, देखना तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो और इसके दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आपको ये आइटम भी इसमें मिलने वाली है। राज मैंने बता दिया, ऐसे फोल्ड होती है और जैसे ऐसे झटका दोगे तो ये खुल जाएगी, ठीक है।
तो अब आपको दूसरी आइटम जो है वो क्या मिलने वाली है वो आपको बता देते हैं। किताब से हमने तलवार दिखाई, तलवार खा के भी दिखाई। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले दोस्तों आपके पास होगा एक पेपर, ठीक है, एक पेपर होगा आपके पास, ऐसा टुकड़ा होगा आपके पास पेपर का, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पेपर को ऐसे जलाना है, देखो ध्यान से देखना, ऐसे पेपर को जलाना है और ऐसे फूल बना देना है जला के, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर जला के आपको स्प्रिंग फ्लावर भी मिलने वाला है, जी हाँ स्प्रिंग फ्लावर भी आपको मिलने वाला है इस पैकेज के साथ में, जो 4000 में हमने आपको 40 मैजिक आइटम दी है। इसको फोल्ड करना बहुत ही आसान है, यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड किया जाता है इस प्रकार से, ये आपको पता होगा स्प्रिंग फ्लावर को कैसे फोल्ड किया जाता है, इस प्रकार से इनको फोल्ड किया जाता है ऐसे, देखो सभी आपको ऐसे एक एक करके फोल्ड करने हैं और ये भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट आइटम हम आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पे ये भी आपको मिलने वाला है, ऐसे खाली बॉक्स दिखाएंगे दोनों तरफ से खाली, ये देखो खाली है, यहाँ से भी खाली है, और इसमें मैजिक करेंगे गिली गिली छू, और मैजिक करते ही हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक लूडो गोटी। और दोबारा आपको दिखाएंगे, अगर निकालते हैं नहीं पहले दिखाते हैं, देखो दिखाया खाली है, यहाँ से भी अंदर से भी खाली है, ठीक है, ये दोबारा मैजिक किया गिली गिली छू खाली है, मैजिक किया हमने, और मैजिक करते ही हमारे पास एक और, मैजिक करेंगे एक और, मैजिक करेंगे एक और, ठीक है। ऐसे आप दिखा सकते हैं और बहुत सारे इससे निकाल के आप दिखा सकते हैं और दिखाएंगे, बिल्कुल खाली है, चारों तरफ से दिखा सकते हैं, और जैसे ही मैजिक करेंगे तो एक और, यहाँ पे टोटल 5 निकलती है और ये बहुत ही शानदार मैजिक है, ये देखो खाली रहता है, है ना। इसको क्या किया कैसे जाता है, सबसे पहले हमारे पास ये जो डाइज है ये फोल्डिंग डाइज है ऐसी, आपको इनको ऐसे फोल्ड कर लेना है इस प्रकार से, देखो वीडियो लंबी हो सकती है बट आपको पूरी देखनी है क्योंकि इसमें सिखा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। देखो 4 है, एक नीचे गिर रखी है 5वीं, तो मैं 4 रख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक कवर मिलता है, जैसे ही आपके पास आएगा पैकेज तो यहाँ पे देखो एक कवर है, तो हमें इसको इसके अंदर इस प्रकार से सेट कर लेना है, ठीक है, ये देखो इसके अंदर है, इसके अंदर सेट है सब। अब हमको इसको ऐसे कर लेना है तो ये लगेगा बिल्कुल खाली। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम अब यहाँ से दिखाता हूँ, देखो ऐसे खोलते हैं, ऐसे करते हैं और ऐसे यहाँ से लूडो की गोटी खुल जाती है, ये अपने आप खुल जाती है दोस्तों, ये देखो, ये देखो ये अपने आप ऐसे खुल जाती है। तो ये थी इसकी परफॉर्मेंस की ट्रिक्स कि इसको कैसे किया जाता है, तो ये आइटम भी आपको मिलने वाली है। तो अब इसको नीचे डालते हैं, आपको दिखाते हैं नेक्स्ट आइटम आपको क्या मिलने वाली है। नेक्स्ट आइटम में आप लोगों के पास होगी एक कोको कोला, जी हाँ ये देखो खाली पाइप है, बिल्कुल खाली है, ठीक है, एक कोको कोला आप लोगों के पास होगी इस प्रकार से, कोको कोला की एक सीसी होगी। हम क्या करेंगे, इस कोको कोला को इससे कवर कर लेंगे, ये देखो दिख रहा है आपको कोको कोला मेरे हाथ पे है, इस पे ऐसे रुमाल डालेंगे और ऐसे रुमाल को हटा देंगे, रुमाल को हटाया कोको कोला इधर ही है देखो, और जैसे ही मैजिक करेंगे 1, 2 और 3 गायब, कोको कोला गायब, ये देखो। तो ये आइटम भी आपको मिलने वाली है। अब ये होता कैसे है, सबसे पहले हमने जो रुमाल डाला था उसमें हमारे पास ये है कोको कोला, ये दो पार्ट्स में होती है दोस्तों, एक यहाँ पे ये देखो ये खाली पाइप है, इसके अंदर लगती है ये वाली, इसमें ऐसा लगता है कि ओरिजिनल कोको कोला है, हिलता भी है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हम इसको ऐसे कवर करेंगे हमें इसको इतना रखना है और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको रुमाल के साथ हमें उठा देना है, ठीक है, इसके अंदर आप स्प्रिंग फ्लावर भी बांध सकते हो, ऐसे उठा देना है और ऐसे रख लेना है, दिखता है यहाँ से कोको कोला, इसको ऐसे करेंगे तो गायब, बल्कि ये इसके अंदर ही रहता है, ठीक है। तो ये आइटम भी आपको इसके साथ में मिलने वाली है, ठीक है। तो अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट आइटम आपको क्या मिलने वाली है। तो नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है दोस्तों यहाँ पे, ये देखो एक रुमाल होता है हमारे पास, ये देखो कलर देखना, कलर ध्यान से देखना, और जैसे इस पे मैजिक करेंगे 1, 2 कलर पहले ध्यान से देख लो ये रुमाल का कलर कौन सा है, ठीक है, और जैसे ही मैजिक करेंगे कलर बदल जाएगा, ये देखो ये है, जैसे ही मैजिक करेंगे कलर बदल जाएगा। तो इसको भी आपको मिलने वाली है ये आइटम। अब ये होती कैसी है, सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस, यहाँ पे आपके दूसरे जो कलर का रुमाल है यह ऐसे पकड़ना होता है और इसको ऐसे खींचना होता है, जब स्पीड में करते हैं तो ऐसे करते हैं तो पता नहीं चलता है, देखो स्पीड में करेंगे इसको ऐसे रखेंगे ऐसे खींचेंगे तुरंत कलर बदल जाता है, देखो यहाँ पे ऐसा है, देखो तुरंत बदल जाता है। तो एक्चुअली पूरा कमाल यहाँ से होता है, यहाँ से देखो, ठीक है। तो ये भी आपको मिलने वाली है, कलर चेंज हंकी इसका नाम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है यहाँ पे ये देखो हमारे पास है 3 रुमाल, ये देखो 1, 2, 3 तीन रुमाल है, ध्यान से देखना 3 रुमाल है, ये है मम्मी, यह है मम्मी, यह है पापा, यह है बेटा, मम्मी पापा बेटा, ये तीनों क्या हुआ था, ये मेले गए थे और मेले में इनका बच्चा इनसे खो गया, ठीक है, बच्चा खो गया, मम्मी पापा बहुत परेशान हुए, देखो मम्मी पापा हैं बहुत परेशान हुए, ये हाथ पकड़ के गए पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाई, तो पुलिस ने कोई सहायता नहीं की और पुलिस ये निराश होकर आ गए जादूगर के पास। जादूगर को इन्होंने बोला कि हमारा बच्चा खो गया है, तो हमारे बच्चे को क्या आप ढूंढ सकते हैं, तो जादूगर ने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, जादूगर ने जैसे ही जादू किया तो बच्चा मम्मी पापा के बीच में आ गया, ठीक है। तो ये आइटम भी आपको मिलने वाली है। अब ये होता कैसे है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये खोलेंगे, इसको खोल देता हूं एक बार,
ठीक है। इसको खोलने के बाद यहां पे हमारे पास ये रुमाल होता है, और ऐसे ही हमारे पास दो रुमाल होते हैं, एक ये रहता है, एक इसके अंदर पहले से रहता है। इसको हमें इसके अंदर ऐसे डाल देना है, ठीक है, इसको हमें डालना है दोस्तों इसके अंदर ऐसे। तो अब ये दिखता नहीं है, ये देखो अब ये दिखता नहीं है, ये जो रस्सी है इसमें ही वो रुमाल है। अब हमें ऐसे दिखाना है मम्मी पापा एंड सन, ठीक है। अब हम कुछ भी कहानी बना सकते हैं, इस रुमाल को कहीं रख देंगे या किसी चीज में गायब कर देंगे, और आपको ऐसे यहां पे ऐसे करना है, इसको बांधना है, और कहानी आप कोई भी बना सकते हैं, और जैसे आप इसको खींचेंगे तो ये बाहर चला आएगा। तो इस मैजिक का नाम है मम्मी डैडी सन, ये भी आपको मिलने वाला है इसके साथ में। और नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है इसके साथ में, पैकेज के साथ में, एक बाजा। इससे बच्चे बहुत खुश होते हैं, बच्चों का काफी पसंदीदा मैजिक है, बाजा है। आपने देखा ये बजता भी है, ठीक है। ये बजने के बाद जैसे ही हम इस पे मैजिक करते हैं, गिली गिली छू, बजता भी है। जैसे ही मैजिक करते हैं गिली गिली छू, और ये बन जाता है रुमाल। यहां पे देखो ये बन जाता है दोस्तों एक रुमाल। तो ये होता कैसे है ये आपको बता देते हैं। ये ऐसे होता है दोस्तों, यहां पे जैसे वेनिसिंग कैन होती है ना, इसी प्रकार से ये रुमाल इसी पे आपको मिल जाएगा। आपको ऐसे इसको खोलना है, ठीक है, ऐसे खोलना है आपको, ऐसे पैक करना है, ऐसे ऐसे। देखो रुमाल अंदर चला गया। अब आपको इसके शुरुआत में आपको यहां पे ये टाइट कर देना है पहले, ठीक है, अच्छे से। अब आपको ये वाला हिस्सा आपको लगा देना है यहां पे, ठीक है। अब ये बन गया बाजा। अब आपको जब इसको रुमाल बनाना है तो यहां पे आपको इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है, और इसको कैप को जैसे ही आप खोलोगे, यहां से जैसे ही आप खोलोगे तो ये यहां पे ऐसे रुमाल बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी इसकी ट्रिक्स, तो ये भी आपको मिलने वाला है इस पैकेज के साथ में। और नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है दोस्तों यहां पे, देखो हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में ध्यान से देखना क्या क्या है, कुछ नहीं है दोनों तरफ से। तो हम क्या करते हैं, ये कार्ड है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, यहां पे देख सकते हो, ये विजिटिंग कार्ड है हमारा, दोनों तरफ से देख लो। हम क्या करते हैं, इस कार्ड को कट कर देते हैं, देखो ऐसे कट किया और ऐसे कट किया, तो इसके कितने पीस हो गए, चार पीस हो गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन चारों पीसों को यहां पे डाल देते हैं कुछ इस प्रकार से। देखो चारों पीस हमने कहां डाले हैं, यहां पे डाले हैं कार्ड के, ठीक है। अब हम जैसे ही इसको बंद करेंगे, अबड़ा गिली गिली छू, हमने बंद किया, मैजिक किया, गिली गिली छू, और ये कार्ड यहां पे जुड़ गया है, ये देखो, ठीक है। तो ये मैजिक ट्रिक्स भी आपको मिलने वाली है, आप किसी को भी हैरान कर सकते हो इस ट्रिक को दिखा के, है ना। तो अब ये होता कैसे है, तो दोस्तों होता कुछ नहीं है, यहां पे पहले से हमारे पास कटे हुए कार्ड है, इसमें जो है एक ये आपको ऐसा कवर मिल जाता है, ठीक है, जो कि हमारा ओरिजिनल कार्ड यहां पे रहेगा एक पहले से, और इसको ऐसे बंद कर देंगे तो इसके नीचे ऑलरेडी एक कार्ड है, ठीक है, कटा हुआ कार्ड यहां पे डाल देंगे। अब इसको जैसे ही बंद करेंगे तो ये ऊपर का कार्ड नीचे आ जाएगा, और इसके नीचे वो ढक्कन, देखो ये ढक्कन है, उसके नीचे कटा हुआ कार्ड है, ठीक है। तो ये आइटम भी आपको इनके साथ में मिलने वाली है, और ये काफी बेहतरीन आइटम है, लोग इससे काफी हैरान होते हैं। तो हो गया, अब आपको नेक्स्ट आइटम दिखाते हैं, यहाँ पे स्टिक रॉक मिलने वाली है। देखो नॉर्मल रस्सी होती है इस प्रकार से, एकदम नॉर्मल, ठीक है, और जैसे ही मैजिक करेंगे गिरी गिरी छू, ये देखो कृष्ण कन्हैया, देखो बांसुरी। अब जैसे ही मैजिक करेंगे 1 2 3 छू, तो ये रस्सी बन जाएगी, है ना। अब ये आइटम आपको मिलने वाली है इसके साथ में। तो ये होता कैसे है, जैसे नॉर्मल रस्सी रहती है वो ये हर जादूगर के पास होता है, हर मैजिशियन के पास होती है। इसको जैसे ही ऐसे करेंगे तो ये स्टिक बन जाएगी, देखना स्टिक बन जाएगी, और जैसे ही यहां से ऐसे मूवमेंट करेंगे ऐसे, तो ये रस्सी बन जाएगी। आपको इसको उल्टी साइड में ऐसे ऐसे करना है, तो ये स्टिक बन जाएगी इस प्रकार से, ठीक है, और जैसे ही इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये नॉर्मल रस्सी बन जाएगी। तो ये आइटम भी आपको मिलने वाली है। अब नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है दोस्तों यहां पे, ये देखो ये आपको यहां पे आप लोग देख सकते हो, मेरे पास एक टिश्यू पेपर है, ठीक है, और इस खाली है बिल्कुल, ये देखना बिल्कुल खाली है ये बैग, टिश्यू पेपर है, इस टिश्यू पेपर को डाल देते हैं इसमें, और मैजिक करते हैं गिली गिली छू, तो हमारे पास बन चुकी है नॉट, देखो बहुत सारे नॉट हमारे पास आ चुके हैं। तो देखा आपने, तो बहुत सारे नॉट हमारे पास आ चुके हैं, और टिश्यू ये बिल्कुल खाली है, टिश्यू पेपर गायब हो गया, है ना। अब ये होता कैसे है ये आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको एक इसमें जो भी निकालना है, चाहे पैसे निकालने हैं, चाहे कटी हुई रस्सी को जोड़ना है, चाहे आपको टिश्यू पेपर से कुछ और बनाना हो, तो पहले से इसमें जो रखना है जो हमें बनाना है, हमारा जो टिश्यू पेपर है वो भी इसी में है। इसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, यहां से अगर देखेंगे ये देखो एक दो, और इसका बटन होता है हमारे हाथ पे, ये देखो यह यहाँ पे बटन है, ध्यान से देखो, ऐसे करेंगे तो यहाँ से जैसे ऐसे मूवमेंट करेंगे तो अलग अलग कंपार्टमेंट इसके खुलेंगे, ठीक है। तो ये है इसकी ट्रिक्स, काफी आसान है, तो ये भी आपको मिलने वाला है। और नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है ये टिश्यू पेपर, ऐसे खाने का, अच्छा
ये आइटम भी आपको मिलने वाली है, टिश्यू पेपर खा के रिबन निकालना, ठीक है। तो ये आपको ये खराब नहीं होगी, ये प्लास्टिक की है, ये पेपर की नहीं है, ये आपकी कभी भी खराब नहीं होगी, इसको आप कई बार दिखा सकते हैं। तो ये टिश्यू पेपर में इसके ट्रिक यही है कि टिश्यू पेपर के अंदर ही रखी होती है, लास्ट में जब हम ऐसे करते हैं तो उसको खाते हैं तो ये भी उसके अंदर चली जाती है, तो आप बाहर खींचना होता है, रोल करके ये बनाई हुई रहती है, तो काफी आसान है, काफी लोगों को ये पता होगी, ठीक है। और नेक्स्ट आइटम हमारे पास एक नॉट बॉक्स होता है, यहाँ पे ये देख सकते हो, और इस नॉट बॉक्स को यहाँ पे ऐसे खोलना है, ठीक है, ऐसे खोलना है और इसके अंदर नॉट डालना है और किसी को भी पकड़ा देना है और उसको बोलना है इस नॉट को बाहर करके दिखाएं, बट वो बाहर नहीं कर पाएगा, कैसे भी खोलेगा कैसे भी करेगा पर वो बाहर नहीं कर पाएगा, और जैसे आपके हाथ में आएगा तो आप इसको इजी बाहर कर सकते हो। आपको लग रहा होगा कि ये सरल है, मैं इतनी जल्दी खोल पा रहा हूँ, बट नहीं, क्योंकि मेरे को तो इसकी ट्रिक्स पता है तो मैं इतनी जल्दी खोल पा रहा हूँ, और किसी अननोन पर्सन के पास आप दोगे ना वो इसको खोल ही नहीं पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, और जैसे ही आप खोलोगे तो तुरंत खोलोगे। अब इसकी ट्रिक्स क्या है वो आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे इसकी बनावट देखो, यहाँ से एक डंडी उठी हुई है, यहाँ से एक डंडी उठी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कट है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक कट है ना, यहाँ पे भी एक कट है नीचे, ठीक है। अब इसकी बनावट और इसकी कट्स सेम है, हम जैसे इसको बंद करते हैं तो अब खोलना कैसे है, अगर आप ऐसे करोगे आपकी मेहनत फेल है। ये देखो, एक यहाँ पकड़ा, यहाँ एक यहाँ पकड़ा, ये देखो इजी है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी करते हो तो ये नहीं खुलेगा, वन फिंगर टू फिंगर बस ये खुल जाएगा, बहुत इजी है, बट लोगों को बहुत हार्ड लगता है क्योंकि इसको ऐसे नहीं खोल सकते हैं, कोई भी नहीं खोल सकता जिसको ट्रिक्स पता नहीं होगी। तो ये आइटम भी आपको मिलने वाली है। और नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है यहाँ पे, ये अंडे का फंडा। सबसे पहले नॉर्मल है, खाली बैग है हमारे पास, और इसमें मैजिक करते हैं, देखो खाली बैग है, हाथ डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैजिक करेंगे, वन टू थ्री, यहाँ पे आ जाएगा अंडा। दोबारा से अंडा बाहर निकालते हैं अपने हाथ पे, अंडा निकाला हमने अपने हाथ पे, देखो बैग खाली है, अंडा हमारे हाथ पे है, गायब, वन टू थ्री, देखो अंडा आ गया। तो इसको आप कई प्रकार से कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिंग है करने का, सबका अलग अलग तरीका है, अलग मैं अगर मैं इसको अच्छे से परफॉर्मेंस दिखा रहा होता तो मैं भी आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकता था, बट अभी आपको इतने सारे सामान दिखाने हैं, 40 सामान दिखाने हैं, तो मैं चाह रहा हूँ वीडियो लंबी ना हो, जल्दी से जल्दी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी खत्म कर सकूं ताकि लंबी ना बने, बोर हो जाएंगे आप लोग, है ना। तो यहाँ पे असली ट्रिक बता देता हूँ आपको, ये अंडा इसके अंदर ही रहता है, ये देखो जैसे इधर जाएगा तो ये इधर आधे पे गायब हो जाएगा, गायब नहीं होगा, अंडा यहाँ पे, ये देखो आपको ऐसे पकड़ के रखना है, और जैसे ही ऐसे छोड़ोगे, ऐसे ये छोड़ोगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ही अंडा गायब हो जाता है, देखो नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो इसको आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो, किसी बच्चे के ऐसे झुका के उसको अंडा ऐसे मुर्गी मुर्गी बना सकते हो, बहुत सारा तरीका ऐसे दिखा सकते हो अंडा है ही नहीं, तो इसके करने के अलग अलग तरीके हैं, लोग अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं, ट्रिक्स मैंने बाकी आपको बता दी है। अब नेक्स्ट आइटम हमारे पास है, यहाँ पे देखो एक लूडो की गोटी है, इस प्लेट पे छोटी सी प्लेट देख लो, हम क्या करते हैं इसके ऊपर ऐसे ढक्कन लगा देते हैं, मैजिक करते हैं वन टू थ्री और ये बड़ी हो जाती है, मैजिक करते हैं वन टू थ्री और ये छोटी हो जाती है, मैजिक करेंगे वन टू थ्री ढक्कन लगा के बड़ी हो जाएगी। तो ये आइटम्स आपको दोनों तरफ से इसको देख सकते हो, नॉर्मल है। तो अब ये होता कैसे है, असल में यहाँ पे हमारे पास तीन होते हैं, ये देखो वन टू एंड थ्री, देखो वन टू थ्री, इसके अंदर देखो इसके अंदर होल है, तो ये हमारा इससे ऐसे कवर रहता है, ठीक है, ऐसे लगता है ढक्कन है, अरे ढक्कन नहीं, इसके अंदर और कुछ है। ऐसे दिखाते हैं, इस प्लेट को नॉर्मल है, उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे फिट करना है, और इसको जैसे ही खोलोगे तो दिखेगा कि नॉर्मल है, है? इसको बंद करोगे, दोबारा से दोनों साथ में उठाओगे तो गायब, ऐसे करोगे नॉर्मल, ऐसे करोगे गायब, नॉर्मल गायब। तो ये दिखाने की अपनी अपनी ट्रिक्स, अपनी अपनी वो सॉरी ट्रिक्स नहीं, अपनी अपनी कला होती है, कैसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट आइटम मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, सभी आपको ये मिलने वाली है, जी हाँ, 4000 में आपको मिलने वाली है यहाँ पे 40 आइटम। तो यहाँ पे देखो एक फ्रेम है, इसके अंदर कार्ड की एक गड्डी है, फ्रेम बिल्कुल खाली है, चारों तरफ से देख लो फ्रेम बिल्कुल खाली है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस गड्डी को खोलते हैं, इसके अंदर से कार्ड निकालते हैं, आपको दिख रहा है आपको कार्ड है, तो इस कार्ड को चलो यहीं पर रख देते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हो गड्डी ही है, ऐसे मत सोचना कि ये कुछ ऐसा है, देखो कांच की एक गड्डी है हमारे पास, ठीक है। हम क्या करते हैं इसको ऐसे बंद कर देते हैं, बंद कर दिया अच्छे से। तो अब क्या करेंगे, इस फ्रेम में हम इस गड्डी को डाल देंगे, देखो आपके सामने ही डाल रहा हूँ, फ्रेम में डाल दी ताज की गड्डी, और जैसे ही डालेंगे मैजिक करेंगे वन टू थ्री और गायब, ये देखो फ्रेम बिल्कुल खाली है, देखो खाली है फ्रेम, फ्रेम बिल्कुल खाली है दोस्तों, ये देखो। अब ये हुआ कैसे, गड्डी कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई, तो इसके अंदर ही होती है, ये देखो ये फ्रेम ही ऐसा बना होता है, और ये जो है फ्रेम तो सही बना होता है, पर ये जो है ये कोई गड्डी नहीं है, ये यहाँ से एकदम नॉर्मल है, और इसके अंदर जो कार्ड दिखाए एक ही कार्ड है, बाकी कुछ है ही नहीं इसके अंदर, एक ही कार्ड है खाली, जो आपको दिखाया वही है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे रखा हुआ रहता है, और इसको ऐसे बंद कर दो तो दिखने में ऐसे लगती है पूरी गड्डी। अब हमको इसको ऐसे अपनी तरफ करके ऐसे डालना होता है, ये वाली तरफ ना इधर डालो, ऐसे ऐसे डालोगे तो दिखेगा गड्डी है, बट अगर ऐसे डालोगे देखो दिखेगा गायब हो गया, है ना। तो ये थी इसकी ट्रिक्स, तो ये भी आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट आइटम ये कॉमेडी आइटम है, यहाँ पे देखो ये बल्ब है, जैसे ही मैजिक करेंगे जल जा जल जा जल जाएगा, बुझ जल, बुझ जल,
हाँ जला रहे, बुझा जल जा, बुझा जल जा, बुझा। और इस हाथ से भी दिखा सकता हूं, जल जल देखो। तो ये आइटम आपको पता ही होगा, इसके अंदर तीन सेल डालते हैं। ये आप किसी के पास भी दोगे तो कोई भी इसको जला नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक हमारे हाथ में रिंग नहीं होगी, एक मेटल की, वो भी मतलब शॉर्ट सर्किट जब तक पूरा नहीं होगा ना इसका, देखो इसको यहां से और यहां से जब तक टच नहीं मिलेगा शॉर्ट सर्किट का, ये देखो ये देखो, तब तक ये जलेगा नहीं। इस पर कोई बटन कुछ नहीं है, हमें अंगूठी यहां पे ऐसे टच करनी होती है और ये जल जाता है, ये देखो। और आपको ये बल्ब भी मिलता है, तीन सेल भी मिलते हैं और एक ऐसी अंगूठी भी मिलती है इसके साथ में, ठीक है। रिंग भी आपको इसके साथ में ही मिलेगी, ओके। तो ये आइटम भी आपको यहां पे मिलने वाली है, ओके। और जो नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है दोस्तों, वो है यहां पे ये मिल्क बोतल। किसी भी बच्चे को दूध पिला दो, दूध पी लिया, कान से निकालो ऐसे पी लो, हाँ पी लिया, इस कान से निकालो ऐसे। तो आपको पता ही होगा इसकी ट्रिक्स तो सिंपल है, ऐसे किया तो इसके अंदर पूरा दूध यहाँ जो रेड वाला हिस्सा है ना उसमें आ जाता है, इतना ही दूध होता है इस पर। और ऐसे करेंगे तो ऐसे फुल भर जाता है, और ये कोई दूध नहीं है, ये किसी प्रकार का केमिकल है जो कि कभी खराब नहीं होता, दूध होगा तो ऑब्वियसली खराब हो जाएगा। तो ये आइटम भी आपको मिलने वाली है, ऐसे करोगे तो दूध गायब हो जाता है, ठीक है, ऐसे करोगे तो दूध आ जाता है। तो ये आइटम भी आपको इनके साथ में मिलने वाली है। नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है यहाँ पे रुमाल से छड़ी। जी हाँ, रुमाल से छड़ी। तो अभी मैंने यहाँ पे रुमाल नहीं लगाया है, ये देखो ये छड़ी है, आपको यहाँ पे रुमाल लगा देना, मैं रुमाल लगाना भूल गया था, बट यहाँ पे जैसे रुमाल लगाएंगे ऐसे रुमाल हिलाएंगे, ऐसे करेंगे तो छड़ी बन जाएगी, ठीक है, ऐसे ये देखो। और ये रुमाल से छड़ी बनती है, एक्चुअल में मैं रुमाल लगाना भूल गया था, अभी करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोगों को पता तो होगा ही, ये भी आपको मिलने वाली है रुमाल से छड़ी बनाना, ठीक है। तो इसको भी इस आइटम में मिलने वाली है, जो 4000 के आपको 40 आइटम मिल रहे हैं। नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है यहाँ पे ये मैजिक कलरिंग बुक्स, ये देखो मैजिक कलरिंग बुक्स है। ये ऐसे किया बुक्स खाली, ऐसे किया कलरफुल, ऐसे किया ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। देखो यहाँ से मैजिक किया खाली किताब, मैजिक किया कलर, और मैजिक किया रंगीन, ठीक है। तो इस पर होता क्या है, इसकी ट्रिक समझा देता हूँ, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन होती है। आप ये ना सोचें कि मैं दिखा नहीं रहा हूँ ऐसी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, तो ये नहीं कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि अगर मैं इसको आपको अच्छे से इसकी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरे भाई। बस ट्रिक समझ लो, आप और अच्छे से दिखा सकते हो, आप इसको काफी बेहतरीन तरीके से दिखा सकते हो भाई। मतलब मैं तो जल्दी जल्दी करने की सोच रहा हूँ। देखो खाली मैजिक करेंगे, गिली गिली छू, ब्लैक एंड व्हाइट चित्र आ जाएंगे, दोबारा मैजिक करेंगे तो यहाँ पे कलरफुल चित्र आ जाएंगे। अब ये होता कैसे है, ये मेन चीज है, आपको जानना मेन चीज है। परफॉर्मेंस तो आप अपनी तरफ से कर लोगे, है ना। एक दो तीन, तीन देखो, एक दो तीन, यहां से करोगे तो खाली दिखेगी, बीच से करोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट चित्र दिखेंगे, ऊपर से ऐसे करोगे तो कलरफुल दिखेंगे। ये थी इस किताब की ट्रिक्स, ठीक है। और जो नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है वो मिलने वाली है यहाँ पे, ये देखो हमारे पास एक गिलास है, नॉर्मल गिलास है, यहाँ पे देखो नॉर्मल गिलास है, हाथ पे कुछ और आए तो नहीं। हम क्या करते हैं, इस गिलास पे पानी डाल देते हैं, पानी हमारे पास है, आपके सामने ही डालेंगे पानी भी। ये देखो पानी डाला हमने, आप लोगों के सामने डाला, यहाँ पे देखो। अब इसको ऐसे हाथ पे रख लेते हैं, ये देखो पानी है इस पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पानी है इस पे और पानी आपको दिखा भी देते हैं कि पानी इसी पे है, ये देखो ऐसे। उसके बाद जैसे इस पे मैजिक लगाएंगे, गिली गिली छू, मैजिक किया और पानी को ऐसे किया, अरे ये तो नीचे ही नहीं गिर रहा है भाई, क्या हो गया, ये गिरेगा ही नहीं दोस्तों, मैजिक हो गया है। और जैसे ही दोबारा से ऐसे करेंगे तो ये पानी नॉर्मल, देखो ठीक है। तो ये आइटम भी आपको मिलने वाली है इसके साथ में। तो ये होता कैसे है, सबसे पहले हमारे पास होता है एक ये देखो, एक ये ट्रांसपेरेंट इसका ढक्कन, जो कि हमारा इसके नीचे ऐसे फिट था, देखो ऐसे फिट था, जब मैंने आपको गिलास ऐसे दिखाया ना तो ये ढक्कन इसके नीचे फिट था। अब आपको ऐसे यहाँ पे जब लाते हो, यहाँ पे लाते लाते आपको ऐसे गिलास उठाना है और ये ढक्कन अपने हाथ पे रहने देना है। ढक्कन कहाँ है, हाथ पे है, ऐसे दिखाएंगे, ढक्कन हाथ पे ही पाम है, ठीक है, ढक्कन उधर ही है दोस्तों जिधर था, ये देखो। अब ऐसे मैजिक करने का एक्टिंग करेंगे, उस ढक्कन को इसके ऊपर लगा देंगे, इस ढक्कन को इसके ऊपर लगा देंगे, फिर जैसे ही पार्टी मारेंगे तो वैक्यूम एक बन जाएगा जिससे कि ये पानी नीचे नहीं गिरेगा। दोबारा से ऐसे करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे पाम कर लेंगे, ऐसे दिखाएंगे पानी है एकदम नॉर्मल। तो ये आइटम भी आपको इसके साथ में मिलने वाली है, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट आइटम, यहाँ पे देखो हमारे पास एक कार्ड है, आपको कार्ड अच्छे से देखना है, कार्ड है हमारे पास, ठीक है, ये देखो कार्ड दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना कार्ड, कार्ड मैजिक करेंगे और मैजिक करके सफल करेंगे और ये बन गया है माचिस, ये देखो माचिस। आपको यकीन नहीं आ रहा, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है, सिगरेट है, ठीक है, मैजिक करेंगे सिगरेट को बीड़ी में कन्वर्ट करेंगे, ये देखो बीड़ी है। दोबारा से मैजिक करेंगे और यहाँ देखो खाली, ये देखो खाली, बिल्कुल खाली है, ठीक है। मैजिक करेंगे, दोबारा खोलेंगे और तीली आ जाएगी। तो ये आइटम भी आपको इसके साथ में मिलने वाली है। तो ये है इसका ट्रिक्स, ये है दोस्तों, यहाँ पे जो ये है, ये कार्ड ऐसे रहता है, नॉर्मल दिखाते हैं हम कार्ड,
इसको यहां से ऐसे कर दो, यहां से ऐसे कर दो, तो ये बन जाएगी माचिस, है ना। और सब इसी पे रहता है, ये बीड़ी इसी पे है, ठीक है, खाली यही है, चारों तरफ से इसको खोल के दिखा सकते हैं, इस पे कुछ ना कुछ रहेगा। और नेक्स्ट आइटम ये है एक बुक्स, आपको ऐसे दिखाना है, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, नॉर्मल बुक दिखा दिया आपने। अब आपको ये इस प्रकार से फोल्ड करनी है, और जैसे फोल्ड करोगे, मैजिक करोगे, आपको क्या करना है, ऐसे एक छेद कर लेना इस पे इस प्रकार से, और जैसे इस पे छेद करोगे दोस्तों, आपको इसमें पानी डाल देना है, सबके सामने डालना है आपको, देखो पानी डाला, ठीक है, दोबारा खोल के दिखाएंगे, हमने इसमें पानी डाला था पर पानी हो चुका है वैनिश, गायब, देखो ठीक है, यहाँ पे पानी हो जाता है गायब, गायब नहीं होता, हम दोबारा मैजिक करके इसको वापस भी ला सकते हैं, देखना तो ये मैजिक आइटम भी आपको उसके साथ में मिलने वाली है। हाँ, ये होता कैसे है ये तो मैंने बताया नहीं ना। यहाँ पे हमारे पास एक बुक्स जो ये होती है, ये नॉर्मल होती है, इस पे एक जो पेज है दोस्तों, इसमें अंदर हमारे ऐसे कंपार्टमेंट बना हुआ है, देखो ये वाला जो है, इसके अंदर ये चिपकाया गया है, इसके अंदर पन्नी लगाई गई है, प्लास्टिक की कैरी बैग लगाई गई है, ताकि पानी लीकेज ना हो। अब हम जब इसको ऐसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं उसी पेज को, जो जिस मैंने आपको जो पहले दिखाया ना, उसी पेज को यहाँ पे ऐसे खोलते हैं, ये देखो वो पेज खोला। अब उस पेज में जब पानी डालेंगे तो वो नीचे कहाँ से आएगा, क्योंकि वहाँ पे तो प्लास्टिक लगा हुआ है ना, ये देखो प्लास्टिक लगा हुआ है पूरे का पूरा अंदर, तो वही वहीं पे पानी रह जाता है, वो चिपकाया हुआ रहता है। तो इसकी ये ट्रिक्स थी, ठीक है। नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, क्या दिखाऊं, इस पे कुछ डाल के दिखाता हूँ, आप सिगरेट भी दिखा सकते हो, आप बीड़ी भी दिखा सकते हो। देखो एक कार्ड है मेरे पास, देखना एक कार्ड का टुकड़ा है, इस पे डालेंगे 1 2 3, ठीक है, कहाँ पे डाला हमने, यहाँ पे, इसको बंद करते हैं, मैजिक करते हैं, गिली गिली छू, और नहीं मैजिक तो हुआ नहीं, यहीं पे है, ठीक है, मैजिक करते हैं, गिली गिली छू, और ये हो चुका है गायब, है नहीं हुआ, चलो आप गायब करते हैं। तो दोस्तों इसका यहाँ पे इसका मैकेनिज्म जो है वो अभी इसका मैकेनिज्म काम क्यों नहीं कर रहा है, हाँ अभी कर रहे हैं दोस्तों, चलो मैं आपको बता देता हूं ये काम कैसे करता है। एक्चुअली में इसके अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं, ये देखो एक और ये दो, तो अगर इस कंपार्टमेंट में हम कुछ डालेंगे तो ये अंदर ही रह जाता है ऐसे, और ये बाहर आ जाता है, जब इसको ऐसे खोलेंगे तो ये भी बाहर आ जाता है, समझ गए आप। तो आपको दूसरा भेज दिया जाएगा, इसका मैकेनिज्म थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बिगड़ गया है ये, तो आपको तो नया भेज दिया जाएगा, ये भी पूरे के पूरे नए थे, इनके सबके कैरी बैग हैं ये, तो आपको हम सही सलामत भेजेंगे, टेंशन मत लो इस बात की। तो ये भी आपको मिलने वाला है यहाँ पे, और आपको मिलने वाला है ये कॉमेडी फनल, आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे हाथ लगा के पानी भर देना है, सबके सामने भरना है आपको, ऐसा नहीं कि अकेले में, देखो पानी भरोगे ऐसे, आपको पानी भर लेना है इस पे, ठीक है। पानी भरने के बाद आपको करना है इस पे मैजिक, आपको क्या करना है, यहाँ से पानी को पूरा गिरा देना है, ये देखो गिरा दिया आपने। अब आपको दिखाना है कि ये बिल्कुल खाली है, यहाँ पे देख सकते हो, अंदर से भी देख सकते हो, बिल्कुल खाली है, मैजिक करेंगे, ये देखो पानी आने लग जाएगा, दोबारा ये खाली हो गया, पानी खत्म हो गया, ये देखो ऐसे दिखा सकते हो, पानी हो गया खत्म, ऐसे आप भी देख सकते हो, और जैसे ही मैजिक करेंगे पानी आना हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। तो इसमें इसको बोलते हैं कॉमेडी फनल, और इसकी ट्रिक्स बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। यहाँ पे ये वाटर ऑफ इंडिया जैसे काम करता है, एक छेद हमारा यहाँ पे होता है, आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे देखो एक छेद होगा, है ना, छोटा सा छेद है, और एक छेद इसके अंदर होता है। तो जब हम इस पे ऐसे पानी भरते हैं, कुछ इस प्रकार से ऐसे पानी भरेंगे इसके अंदर, तो ये पानी क्या होगा, इसकी बाहरी परत में चला जाएगा, ठीक है। अब हमें जब छोड़ना है तो इस हाथ से ये वाला छेद बंद करना है, हमने ना अभी अंगूठे से ये छेद बंद कर रखा है यहाँ पे, और जैसे ही इस छेद को छोड़ेंगे तो देखना पानी आना स्टार्ट हो जाए, अंगूठा हटाऊंगा, देखो अंगूठा बंद करूंगा, देखो तो पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे अंगूठे पे होता है, छोड़ो तो पानी आएगा, और अगर बंद करो तो पानी भी बंद हो जाएगा। तो ये कॉमेडी आइटम भी आपको मिलने वाली है इनके साथ में। और नेक्स्ट आइटम हमारे पास है ये पैड बुक, ठीक है, अगर ऐसे दिखाएंगे ऐसे तो खाली, मैजिक करके दिखाएंगे तो नोट आ जाएंगे। तो ये भी उसी प्रकार से है जैसे कि मैजिक कलरिंग बुक थी, अगर यहां से दिखाओगे तो देखो खाली, और यहां से दिखाओगे तो नोट, है ना, तो 1 2 सेम है। और नेक्स्ट आइटम हमारे पास है दोस्तों ये रिबन, ठीक है, हमारे पास रिबन है यहाँ पे, देखो इतना बड़ा रिबन हमारे पास है, रिबन, जैसे इस रिबन को यहाँ पे छोड़ते हैं और मुट्ठी में डालते हैं, कुछ इस प्रकार से ऐसे डालेंगे, पूरा का पूरा मुट्ठी में डालेंगे, और मैजिक करते ही ये रिबन हो जाएगा यहाँ से गायब, देखो हो जाएगा ना गायब। अब निकालेंगे दोबारा से इसके अंदर से, देखो और ये आ जाएगा इसके अंदर से। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मैजिक थंब, ये अंगूठा, जादू का अंगूठा, ये भी आपको मिलने वाला है इसके साथ में। तो ये इससे पूरा काम हो जाता है इसका, आपको पता ही होगा अगर आप मैजिक वगैरह करते हैं। और नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है यहाँ पे रेड कलर का फ्लावर मिलेगा, मैजिक करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, दोबारा से मैजिक करना है तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो
इसकी ट्रिक्स क्या है, सिंपल सी है। यहाँ पे क्लिप दिख रही होगी आपको, तो यहाँ पे भी एक क्लिप दिख रही होगी। इस क्लिप को जैसे ऊपर नीचे करेंगे तो ये इसका कलर बदल जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये थी इस कलर चेंज फ्लावर की ट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आइटम देखो, गोटी है, ऐसे गोटी है हमारे पास यहाँ पे, ये देखो गोटी है ये वाली। तो इसको जैसे इस पर रगड़ेंगे, रब करेंगे तो ये अपना कलर बदल देगी। इसको यहाँ से भी रब करेंगे तो ये भी अपना कलर बदल देगी। ठीक है, अब ये होता कैसे है, सबसे पहले तो इसके साथ आपको एक मैग्नेट आएगा, यानी कि एक चुंबक आएगा, और मैं निकाल लेता हूँ, मेरे जेब में ही पड़ा होगा कहीं। ये देखो, ये चुंबक आपको इसके साथ में मिलने वाला है। हमें क्या करना है, इस पे दो हमें स्टिकर मिल जाते हैं ऐसे, इसको यहाँ पे ऐसे चिपकाना है ब्रेक में, इसको यहाँ पे ऐसे चिपकाना है। ठीक है, अब ये दोनों साइड से काली हो गई। अब यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, और ये जो परत थी ये मेटल की थी, लोहे की थी, तो जैसे हम इसको ऐसे कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो ये यहाँ पे चिपक जाएगा। इसको यहाँ से ऐसे दूसरी तरफ से आप जो ब्लैक वाला है वो टच करेंगे तो ये यहाँ पे चिपक जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इनका हो जाता है कलर चेंज। ठीक है, तो ये थी हमारी आइटम्स। और नेक्स्ट आइटम ये देखो, एक लूडो बॉक्स है, मैजिक करेंगे, गिली गिली छू, तो यहाँ पे ये हो जाएगा गायब, लूडो गायब। और देखो हमारे पास आ चुकी है बहुत सारी छोटी गोटियाँ। अभी होता कैसे है, ये लूडो है, ये इसके अंदर ही है, और ये लूडो यहाँ पे ऐसे इसको अंदर ऐसे भर लेना है आपको। देखो इसके अंदर भर दिए सब के सब दाने, इससे आप चावल बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ऐसे कर दिया, नीचे से आपको दिखेंगे ये दाने। ठीक है, ये देखो नीचे से दिख रहे हैं। अब जैसे हम इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे लूडो ऊपर चिपक जाएगा और ये सब दाने नीचे आ जाएंगे। ये देखो, और लूडो है इसके अंदर। तो ये थी इसकी ट्रिक्स, काफ़ी आसान है, काफ़ी सरल है। ठीक है, तो ये भी आपको मिलने वाला है इसके साथ में। अब आ जाए नीचे। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट जो आइटम है वो मिलने वाली है ये वाली। देखो इस पर कोई फ्लावर नहीं है, गुलदस्ता है, कोई फ्लावर नहीं है इस पर। जैसे ही मैजिक करेंगे फ्लावर पकड़ेंगे, देखो फ्लावर मेरे हाथ में पकड़ा और ये लगाया, लग गया, तोड़ा फेंका पकड़ा और ये लगाया, देखना, देख तोड़ा फेंका पकड़ा और ये लगाया। अभी गायब करेंगे, गायब मुंह में है, ये देखो। तो ये आपको फ्लावर मिलने वाला है, यहाँ से ये हो जाता है तीनचू, ये देखो तीनचू 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 ऐसे, यहाँ से ये ऊपर नीचे हो जाता है। इसका बटन स्विच यहाँ पे होता है, इसको ऊपर नीचे करने पे फ्लावर गायब और आ जाता है। तो ये आइटम आपको मिलने वाली है। और ये नेक्स्ट स्टेज आइटम जो है, ये सभी के सभी स्टेज आइटम है, सब स्टेज पर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है ये वाली, ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मजेदार आइटम है। इसको हम बर्थडे गर्ल की मम्मी के साथ बहुत परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देख लो, मान लो कि मैंने आपकी एक अंगूठी ली, मतलब मान लो मैंने आपकी एक अंगूठी दी। ठीक है, आप मेरे दर्शक को मैंने आपकी अपनी एक अंगूठी देना। ठीक है, दिया अंगूठी दी, और अंगूठी हम क्या करेंगे, इस रुमाल में ऐसे अंगूठी रख लेंगे, इस रुमाल में ऐसे किसी की भी दर्शक की अंगूठी ऐसे रख लेंगे, रुमाल में ही रखनी है हमको। और ये रुमाल हमको किसी को भी पकड़ा देना है कि ये लो, यहाँ पे अंगूठी को पकड़ के रखना, अंगूठी इसके अंदर लगेगी उसके हाथ में, और जैसे ही पकड़ के रखेगा, मान लो अंगूठी यहाँ पे पकड़ के रखी है, हम ये थैला चेक कराएंगे, इस थैले में देखना कुछ है तो नहीं, तो सब बोलेंगे इस थैले में कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस थैले को ऐसे बंद करके किसी के हाथ में पकड़ा देंगे ऐसे, कि इस थैले को यहाँ पे रखना। अब ये जो अंगूठी थी, ये अभी भी उनके हाथ में अंगूठी सच में लगेगी, मतलब ऐसे नहीं कि मैं आपको खाली दिखा के झूठ बोल रहा हूँ, नहीं, हम क्या करेंगे, मैजिक करेंगे, इस अंगूठी को यहाँ से गायब करेंगे। ठीक है, गायब करेंगे, वही अंगूठी आ जाएगी इस बैग में, किसी की कोई भी अंगूठी हो सकती है, सोने की, चांदी की, कुछ भी। ये देखो अंगूठी आ गई इसमें। ठीक है, तो इसको आप परफॉर्मेंस के दौरान दिखा सकते हो, बहुत ही मजा आती है इसको दिखाने में। और ये है इसका ट्रिक्स, आपको बता दूं कि ये जो रुमाल है, इस रुमाल है इसके अंदर ऑलरेडी एक अंगूठी यहाँ पे सील के, सिलाई के अंदर फिट कर रखी है। अगर मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँ तो निकाल तो नहीं सकता हूँ, बट यहाँ पे दिखा सकता हूँ, देखो अंगूठी है। तो हम जब कोई भी अंगूठी किसी की भी लेते हैं, मैम की, सर की, तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये जो अंगूठी है इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे पकड़वा देते हैं, इसी अंगूठी को पकड़वा देंगे, इसको अपने हाथ पे ले लेते हैं, जो उनकी ओरिजिनल सोने चांदी की रहती है, ऐसे ले लेते हैं और इसको ऐसे पकड़ा देते हैं। ठीक है, तो जब हम इस बैग को ऐसे दिखा रहे होते हैं, तब हम क्या करते हैं, किसी भी कारण से, किसी भी चालाकी से, ये अंगूठी जो ओरिजिनल अंगूठी थी, ये इसके अंदर डाल देते हैं, इसको ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद करने के बाद ओरिजिनल अंगूठी तो इसमें आ गई, ये जो उन्होंने पकड़ रखी है हाथ में, लगता तो ऐसे ही है पकड़ने में कि सच में अंगूठी पकड़ रखी है मैंने, बट ये डुप्लीकेट है, इस रुमाल के अंदर ही है। जैसे गायब करेंगे तो ये गायब नहीं होगी, बल्कि यहीं पे अलग से चली जाएगी, और ओरिजिनल अंगूठी तो इसमें आएगी क्योंकि हमने इसमें पहले से डाल रखी है। ठीक है, ये देखो, तो ये आइटम भी आपको मिलने वाली है। आप इसको भी शो में दिखा के वाह वाह लूट सकते हो, बहुत ही मजा आती है इसको दिखाने में दोस्तों। तो आपको ये आइटम भी यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट आइटम आपको यहाँ पे मिलने वाली है, उसको ओपन कर देते हैं पहले। देखो यहाँ पे ये आइटम आपको मिलने वाली है, अंडा है, देखो अंडा है, इसको बंद किया, अरे वाह, देखो इस, मतलब अभी मैं इसके आपको डायरेक्टरी के बताता हूँ क्योंकि परफॉर्मेंस अभी है, मैंने आपको दिखा दिया है निकाल के। इसके अंदर ये अंडा रहता है, ठीक है, इसके ऊपर ये ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है। अब हमें दिखाना है कि बिल्कुल आप इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे रहेगा, इस अंडे को दिखाओगे, नॉर्मल अंडा है, देखो निकाल के दिखा दिया, या फिर इस अंडे को आप
ऐसे खाली भी दिखा सकते हैं इसको, कि इसके अंदर कुछ नहीं है। देखो हम इसको कैप ऐसे बैलॉक करते हैं और देखो अंडा आ गया, ठीक है। दिखाने का दूसरा भी तरीका है, ऐसे दिखा दो कि अंडा है, देखो निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, कितना बड़ा है, निकाला आपने, ठीक है। मैजिक करेंगे, इसको बंद करेंगे, अब बोलेंगे आप निकाल के दिखाओ, तो ये निकलेगा ये, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक्स है। और नेक्स्ट आइटम आपको दिखाने वाला हूं यहाँ पे कार्ड की, ठीक है। ऐसे कार्ड की गड्डी को ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं दोस्तों कि कार्ड यहाँ पे देखो, देखो नॉर्मल कार्ड है सभी, देखो देखो नॉर्मल कार्ड्स हैं, कोई ऐसा नहीं कि सेटअप या कोई चीटिंग है। और नॉर्मल कार्ड को हम क्या करेंगे, थोड़ा सफल करेंगे दोस्तों इस प्रकार से, और सफल करते करते हम इस पर मैजिक लगाते हैं। देखो सफल किए, मैजिक लगाएंगे ऐसे, और मैजिक लगाएंगे 1 2 3, देखा मैजिक, सफल कर सकते हैं कार्ड एकदम नॉर्मल। दोबारा मैजिक करेंगे, ये कार्ड ऐसे बन जाएंगे और कार्ड देख सकते हैं नॉर्मल है, ठीक है। दोबारा मैजिक करेंगे, वाव, आप इसका ऐसा फूल भी बना सकते हैं, देखो ऐसा भी फूल बना सकते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों स्प्रिंग कार्ड, इसमें नॉर्मल कार्ड कुछ नहीं होते, इतने ही नॉर्मल कार्ड होते हैं, बाकी सब ये स्प्रिंग कार्ड हैं, देखो बाकी सबके सब ये स्प्रिंग कार्ड होते हैं, नॉर्मल कार्ड खाली इसमें इतने ही दिए हुए रहते हैं, ये देखो। तो ये स्प्रिंग कार्ड के नाम से डैग आती है, ये भी आपको मिलने वाली है, यहाँ पे देखो पूरी की पूरी स्प्रिंग कार्ड वाली डैग है, ओके। अब आपको इसको दिखाना कैसे है, सबसे पहले ऐसे डैग निकाल के दिखाएंगे, तो गड्डी के ऊपर से दिखाएंगे कार्ड एकदम नॉर्मल है, ठीक है। ऐसे सफल भी कर सकते हैं, सफल क्या करना है, ये डैग ऊपर नीचे करनी है बस, ठीक है। और जब दिखाना है तो ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे इसको दिखा सकते हैं। तो ये है स्प्रिंग कार्ड की ट्रिक्स, ये आइटम भी आपको इसके साथ में मिलने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट आइटम आपको एक कार्ड की है, और एक और कार्ड की आइटम है हमारे पास इसमें, देखो ऐसे हैं, सभी कार्ड को आपको चेक करना है अच्छे से, देखो सभी कार्डों को आराम से चेक करो, अच्छे से चेक किया आपने। अब क्या करते हैं हम इस कार्ड को यहाँ पे एक बार क्लीन कर देते हैं, पहले ऐसे ऐसे डाल देते हैं, ऐसे डाले। अब आपको कहीं से भी एक कार्ड निकालना है, कहीं से भी, जहां से भी निकालो, यहां से निकालना है, यहां से निकालना है, यहां से निकालना है। चलो हम एक काम करते हैं, यहां से निकाल लेते हैं, देखो एक कार्ड निकाला, पूरी गड्डी को बंद कर देते हैं इस प्रकार से, पूरी गड्डी को बंद किया, ठीक है। आपने कौन सा कार्ड निकाला, पहले कार्ड दिखा देता हूं, सभी रैंडम है, नॉर्मल है, ठीक है, ये देखो नॉर्मल कार्ड्स हैं। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो कार्ड निकाला इसको हमें पब्लिक को दिखाना है, 11 निकाला है ना, 11 निकालने के बाद आपको यहाँ पे इस मैजिक को दिखाना है कि यहाँ पे देखो 11 था आपका। इस कार्ड को सबसे नीचे रख लेते हैं, हमने नीचे कार्ड को रख लिया, उसके बाद हम इसके कुछ डेक बनाते हैं, 1 2 3 4, देखो 4 डेक बना दी हमने। अब बताओ आपका कार्ड किस में से निकाले, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से। तो जैसे ही मैजिक करेंगे वो किसी में भी बताएंगे, आप उसी में से उसका कार्ड निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसमें से निकाल के दिखाते हैं, नहीं इसमें से दिखाते हैं, ठीक है। तो किसी में से भी निकाल सकते हैं, तो इसमें से निकालेंगे 11। अब आपको लग रहा होगा कि सब में 11 ही ऊपर है, बल्कि ऐसा नहीं है, ये देखो डिफरेंट भी कार्ड है इनमें, मतलब कार्ड अलग अलग है सब में, पर जिसमें पब्लिक बोलेगी उसमें से ही आप उनका कार्ड निकाल सकते हो। इससे बहुत सारे मैजिक होते हैं, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे होते हैं, कितने बताऊं आपको, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसके। आप पूरी गड्डी को 11 भी बना सकते हैं, ये देखो, और कोई कार्ड होगा ही नहीं, सब 11 होंगे इसमें, मतलब सारी गड्डी को एक जैसे बनाना, आपको पता होगा वैसे इसकी ट्रिक्स। तो इसको अगर इतनी डिटेल से दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। तो अभी हमारे पास बची है एक 400 में जो 40 आइटम है, उसमें से लास्ट आइटम हमारे पास बची है दोस्तों, ये क्वाइन बॉक्स, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक्स आपको पता होगी, इसमें देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी रख लेना है, कुछ भी, जैसे ये मुर्गी का पंख मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये देखो मुर्गी का पंख मैंने यहाँ पे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस कैप को निकालेंगे, इस पे लगाएंगे, और इस निकाल के इस पे जैसे जैसे ही लगाएंगे तो 1 रुपये का क्वाइन बन जाएगा, ये देखो। तो ये आइटम भी आपको मिलने वाली है, और ये काफ़ी छोटी आइटम है, तो इसमें भी आपको ये मिलने वाली है। तो ये थी हमारी आज की 40 मैजिक आइटम सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये में, जी हाँ, 40 मैजिक आइटम सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये, सॉरी 4000 रुपये में, 40 मैजिक आइटम 4000 रुपये में, जी हाँ। तो अगर आपको इन आइटम्स को पसंद आया, इन आइटम को खरीदना है, तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 9905703011 पे आप कांटेक्ट करके खरीद सकते हैं। जादू का धमाकेदार ऑफर हम लोगों ने आपके लिए लेके आए हैं, ऐसे स्टेज आइटम्स और ऐसे प्रोग्राम्स आइटम आपको कोई इतने ऑफर्स में नहीं देने वाला। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसी धमाकेदार मैजिक ट्रिक के ऑफर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।